हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन द डिजिटल टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नालंदा विद्यालय मोरबी। टुडे वी विल डू सेकेंड चैप्टर ऑफ स्नैपशॉट बुक क्लास 11, द एड्रेस, रिटन बाय मार्गा मिनको। दिस इज द चैप्टर, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द एड्रेस। So address title, let's discuss title of the chapter, address, है ना, किसी जगह का address। तो writer की mother जो हैं, मार्गा मिनको की जो mother हैं, उनकी mother ने उनको बहुत साल पहले एक address दिया था। तो उस address पे हमारी writer जो हैं वो visit करती हैं, उसके बाद उनको क्या experiences होता है उसके बारे में description जो है वो chapter में दिया गया है। हॉलैंड में एक वॉर हुई थी, है ना, उस लड़ाई के बाद वो राइटर की मदर, और राइटर जो है वो सिटी से मूव कर गई थी, हॉलैंड में से एक सिटी में से। बाद में राइटर जो हैं उसी एड्रेस पे विज़िट करती हैं, तो क्या एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू The background of this chapter, this short story is a poignant. Poignant is a moving account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decided to leave them all behind and resolve to move on. तो हमें स्टोरी जो है वो कुछ क्लियर यहीं से हो जाती है कि ये एक मूविंग स्टोरी है, कि एक डॉटर जो है अपनी मदर की बिलोंगिंग मीन्स पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, चीज़ें जो कि हॉलैंड जो वॉर हुई थी उसके बाद वो लेने जाती हैं मार्गा मिनको जो हैं। जब उनको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो पुरानी जो मेमोरीज होती हैं, है ना, राइटर की, वो फ्रेश हो जाती हैं, उनको याद आती हैं। हाउएवर, जबकि शी डिसाइडर, मार्गा मिनको जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि वो सारी चीज़ें अपने साथ कैरी नहीं करेंगी। क्यों कैरी नहीं करेंगे वो हम जो है वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, द वूमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I'm Mr. S. Daughter. तो राइटर जो हैं वो सबसे पहले बेल रिंग करती हैं घर में जाकर एक एड्रेस के ऊपर, और वो बोलती हैं अंदर से, जो लेडीज़ जो है, लेडी जो है वो गेट ओपन करती है कि क्या आप मुझे जानते हो। वो मैन जो है लुक्ड एट मी सर्चिंगली, मतलब जब हम किसी को पहचानते नहीं है ना, उस तरीके से वो मैन जो है वो राइटर की तरफ देखती हैं। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, चिंक मीन्स नैरो ओपनिंग, थोड़ा सा गेट उन्होंने खोला है। आई केम क्लोजर, स्टूड ऑन द स्टेप, मैं और उनके पास गई, राइटर जो है वो और उनके पास गई, वो लेडी के पास, वो है ना सीढ़ी पे थी एकदम इन फ्रंट ऑफ गेट। नो, आई डोंट नो। तो यहाँ पर जो लेडी जो है जिन्होंने गेट ओपन किया था, वो घर की मालकिन, वो बोलती हैं कि नहीं, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो हमारी जो राइटर हैं वो आंसर देती हैं कि आई एम मिस्टर एस डॉटर, कि मैं जो हूँ मिस्टर एस की जो हूँ वो डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज थो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वो इस तरीके से उनका हाथ जो है वो डोर के ऊपर है, जैसे वो रोक रही है ताकि गेट जो है वो पूरा ना खुले और कोई भी अंदर वालों को ना पता चले कि बाहर कोई आया, बाहर मैं जो गेट पर खड़ी हूँ मैं अंदर ना आ पाऊँ। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, है ना, उनके फेस पे कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो साइलेंस एकदम शांत होकर मेरी तरफ देखे जा रही हैं। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर, मुझे लगा शायद मैं किसी गलत एड्रेस पे आई हूँ, शायद वो औरत नहीं है जिसको मैं
ढूंढ रही हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने सिर्फ उनको एक बार ही देखा था। फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, फ्लिटिंगली क्या होता है, लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम, है ना, थोड़ी सी देर के लिए। मैंने तो उनको सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए देखा था, फ्लिटिंगली मीन्स शॉर्ट टाइम, और वो भी सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो बहुत पॉसिबिलिटीज थी कि मैं गलत एड्रेस पे आ चुकी हूँ। ये वो औरत नहीं है जिसकी सर्च में मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है ना, कि ये औरत जो है असल में उसने ये लड़की को तो पहचान लिया है ना, ये औरत जो है वो गिल्टी हैं, वो दोषी हैं। वो पहचान कर भी इस लड़की को जो है वो नहीं पहचान रही हैं। उसका रीज़न जो है वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। द वूमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नाइटेड कार्डिजन। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। वुमेन जो है ना, वो गेट से थोड़ा सा हटकर खड़ी हो गई हैं। शी वॉज वेयरिंग माई, उन्होंने मेरी मदर का नाइटेड कार्डिजन, कार्डिगन जो है वो पहना हुआ है ना। दिस इज द वुडन बटन फॉर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। बार बार धोकर उसके बटन जो हैं, वुड के जो थे, वुडन बटन जो हैं वो भी फीके पड़ गए हैं, पेल हो चुके हैं बार बार धोने के बाद। अब मैंने जो है ये कार्डिजन जो मेरी मदर का था वो तो पहचान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, ये वही औरत थी जिसको मैं फाइंड कर रही थी। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिजन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। जब उसने ये नोटिस किया कि मैं कार्डिजन की तरफ देख रही हूँ, तो उसने अपने आप को छिपाने की कोशिश की है ना, गेट के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि मैं जो हूँ बिल्कुल सही हूँ, मैं किसी गलत एड्रेस पे नहीं आई हूँ, ये वही एड्रेस है जिसको मैं ढूंढ रही थी। क्लियर? वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क, मैंने कहा आप मेरी मदर को जानती हैं, मैं जानती हूँ। हैव यू कम बैक, तो उसने मुझसे पूछा वो औरत ने कि क्या तुम लोग वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं तो सोच रही थी कि कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी, नहीं सब लोग वापस नहीं आए हो, मैंने रिप्लाई दिया, सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ। आर डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। मस्टी स्मेल मीन्स स्मेलिंग डैम्प एंड अनप्लेजेंट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्रेश एयर। ओके, वो सीलन की, जिसको बोलते हैं सीलन की दुर्गंध, डैम्प और स्टेल स्मेल, मीनिंग ऑफ मस्टी स्मेल है ना। तो अंदर जो है उसके पीछे जो पैसेज था, वहाँ से एक गेट खुला और वहाँ से जो है एक मस्टी स्मेल है ना पूरे घर में फैल गई। आई रिग्रेट, आई cannot डू anything फॉर यू, मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। किसने कहा? वो औरत ने कहा। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो मैंने आंसर किया आई wanted टू टॉक टू यू फॉर अ moment, कि मैं स्पेशल ट्रेन पकड़ कर आपको मिलने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ ट्रेन से, तो मुझे थोड़ी देर के लिए आपसे बात करनी है। इट्स नॉट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मीन्स कम्फर्टेबल, इट्स नॉट कन्वीनियंट और कम्फर्टेबल फॉर मी नाउ, सेट द वुमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो वो औरत बोलती है कि नहीं, अब मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाऊँगी, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, हम लोग जो है, आई कांट सी यू अनदर, आई कांट सी यू नाउ अनदर टाइम, कि मैं जो है वो आपको किसी और दिन मिलूँगी, हम फिर बात करेंगे। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज थो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। नोडेड मीन्स सिर हलाना है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने सिर्फ सिर हलाया और एकदम आराम से, कॉशियसली मीन्स आराम से है ना,
बहुत केयरफुली जो है गेट को बंद किया, इतनी केयरफुली गेट को बंद किया कि अंदर जो हैं जो भी लोग अंदर बैठे हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, उनको पता ही ना चले कि बाहर कोई आया है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी थी वो घर के पास वो सीढ़ी पे स्टेप पे। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, बे विंडो ये वाली विंडो है ना, यहाँ पर राइटर जो है वो खड़ी हैं घर के बाहर गेट पे, तो इस विंडो का कर्टन जो है वो थोड़ा सा मूव हुआ, शायद अंदर जो लेडी थी वो देख रही थी कि मैं वहाँ से चली गई हूँ कि नहीं। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, मुझे लगा शायद अंदर से कोई मुझे घूर रहा है, स्टेयर्ड एट मी और मुझसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए। ओ नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड, इट वॉज नथिंग, और अंदर से शायद किसी ने पूछा कि क्या हुआ, आप किसको ढूंढ रहे हो, है ना, तो उस औरत ने क्या जवाब दिया कि नहीं कोई भी नहीं है और बाहर भी कोई नहीं था, ऐसे ही बस। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी उसकी तरफ देखा। डार्लिंग नोट ऑन इट, हाँ अंडरलाइन इट, उस औरत का नाम क्या था, मिसेस डार्लिंग, मिसेस डार्लिंग। इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर इज 46, तो नेम प्लेट पे क्या लिखा था, है ना, साइड नेम प्लेट पे क्या लिखा था, नंबर 46 डार्लिंग, और यही वो एड्रेस था जो सालों पहले मेरी मदर ने जो है मुझे लिखकर दिया था। इनेमल मीन्स हार्ड शाइनी सरफेस, है ना, चमकीला कठोर, हार्ड शाइनी सरफेस, और जैम क्या होता है, अ वर्टिकल पोस्ट एट द साइड ऑफ अ डोर और विंडो, क्लियर। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापस आ रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपनी मदर के बारे में सोच रही थी, हु हैड गिवन मी द एड्रेस, जिसने मुझे ये एड्रेस जो है वो दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये कब था, जब हॉलैंड की वॉर चल रही थी और उसका फर्स्ट हाफ था, हॉलैंड्स वॉर, इट इज़ द स्टोरी ऑफ हॉलैंड्स वॉर ऑफ लिबर्टी, है ना, उनकी आज़ादी की एक लड़ाई थी हॉलैंड की, है ना, और हम ये भी देखेंगे कि वॉर का जो है, लड़ाई का जो है, जब देश में लड़ाई होती है तो उसका कॉमन पीपल्स पे, कॉमन लोगों पे उसका क्या असर होता है, वो किस तरह कैसे इफेक्टेड होती हैं इस लड़ाई से। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर पे थी, एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और तब मैंने नोट किया कि रूम की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदली हुई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रही थी जो मुझे रूम में दिखाई नहीं दे रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी मदर भी हैरान थी कि मैंने वो सारी चीज़ें जो हैं इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर ली। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डार्लिंग, तब मेरी मदर ने जो है मुझे मिसिस डार्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years. Apparently means कभी कभी, है ना, मैं उनको अच्छे से जानती, सॉरी, तो मैं जो है मैंने उनका नाम अच्छे से सुना हुआ था पहले, कभी कभी उनके बारे में डिस्कशन होती थी। शी वॉज एन ओल्ड एंटीक्यूट, एंटीक्यूट क्या होता है कि एन ओल्ड एंड ऑफन वैल्यूएबल, है ना, तो एंटीक्वेडेंस ऑफ माई मदर, वो मेरे पुरानी, मेरी मदर के जानने वाली थी, होम शी हैडन सीन फॉर ईयर्स, भले ही वो मेरी मदर थी सालों तक मिली नहीं थी, लेकिन वो मेरी पुरानी, मेरे मदर की पुरानी जान पहचान की औरत थी। कौन, मिसेस डार्लिंग। शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड हर देयर कॉन्टैक्ट्स सिंस देन, शी हैड कम रेगुलरली,
और फिर क्या हुआ, उस औरत ने मेरी मदर को बताया कि हम पुराने फ्रेंड्स हैं, उनकी जान पहचान और गहरी हुई। उसके बाद वो औरत जो है मिसेस डॉर्लिंग जो है रेगुलरली हमारे घर पे आती थी। एवरी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि वो औरत जब भी हमारे घर पे आती है कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो हमेशा हम अपने साथ ले जाती है। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक ही बार में वो टेबल है ना, टेबल में जो भी सिल्वर का जो भी सामान पड़ा था वो एक ही बार में वो वहाँ से ले गई थी। एंड देन द एंटिक्स प्लेट, एंटिक क्या होता है, ओल्ड एंड ऑफन वैल्यूएबल है ना, बहुत पुरानी और वैल्यूएबल थिंग्स, वो एक ही बार में। उसके बाद वो जो है वो एंटिक्स प्लेट्स जो थी हमारे घर पे रखी हुई जो कि हैंग हुई हुई थी वॉल पे, वो भी अपने साथ ले गए। शी हैड ट्रबल लगिंग, लगिंग कैरिंग और ड्रैगिंग समथिंग हैवी विद अ लॉट ऑफ एफर्ट है ना, काफ़ी जोर लगाकर किसी चीज़ को जो है वो हम खींचते हैं, जैसे यहाँ पर ये औरत जो है वो खींच रही है ना, क्योंकि ये बॉक्स जो है वो बहुत हैवी है। इसमें क्या है दोस्त, लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। क्रिक इन हर बैग मीन्स है ना, एकदम से वो जैसे कड़क की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ आना, और ये आवाज़ किस में से आई थी, उसकी बैग में से, क्योंकि सामान जो है वो बहुत हैवी था। लगिंग मीन्स कैरी करना है ना, और क्लिक इन हर बैग मतलब बहुत पेन उनकी कमर में हो रहा था, क्योंकि वो बॉक्स बहुत हैवी था तो भी वो अपने आप साथ में उसमें लेगी, और उनकी पीठ में से एकदम क्रिक की आवाज़ जो है वो भी आई। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी मदर ने जो है वो अपना सर जो है वो हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्ट इट टू मी हर सेल्फ, शी इवन इंस्टेड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, इफ वी कुड हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज लॉस एवरीथिंग शी सेज। तो यहाँ पर वो हमें बताती हैं कि वो औरत जो है मिसेस डॉर्लिंग, उन्होंने मेरी मदर को बताया था कि आप अपना जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, क्योंकि अभी तो वॉर होने वाली है स्टार्ट है ना, और चल भी रही थी तो वॉर और भी ज़्यादा भयंकर होगी, तो इससे आप क्या कर सकते हो, शायद आपका सारा सामान जो है वॉर में जो है वो कुछ लोग लूट लें या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप हमारे घर पे रख दो, और ये हमारी चीज़ें हमारे घर पे सेफली रहेंगी। आप जब कभी हो सकता है आपको कभी भी यहाँ से इमिडिएटली घर जो है वो खाली करना पड़े, वापस आप कभी भी आकर ये सारी चीज़ें जो हैं वो वापस ले लेना। अभी सिर्फ उसने मेरी मदर को ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने ऐसा इंस्टेडेड भी किया था, जोर देकर कहा था है ना। और मेरी मदर बोलती हैं कि वो औरत कितनी अच्छी है मिसेस डॉर्लिंग, वो हमारी सारी चीज़ें जो है वो बचाना चाहती हैं, कि इफ़ वी हैव टू लीव हेयर, अगर हमें यहाँ से जाना हुआ इमीडिएटली वी शैल लूज एवरी थिंग शी सेज। वो औरत बोलती है मिसेस डॉर्लिंग, अगर आपको यहाँ से इमीडिएटली जाना पड़ा तो शायद आप सब कुछ खो दोगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क, तो मैंने मेरी मदर से पूछा, और उस औरत ने आपको ऐसा बोला और आप मान भी गए, क्या वो हमारा आप एग्री हुए इस चीज़ को कि हम हमारी सारी चीज़ें उनके पास रख दें। मैंने अपनी मदर से पूछा, क्वेश्चन किया, क्या वो हमारी सारी चीज़ें जो है वो सेफली अपने पास रख पाएंगी, एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी मदर जो है वो मेरे पे ही चिल्लाई है ना, ज़ोर से चिल्लाई। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, अगर मैं इस तरह किसी बात उनसे करती हूँ तो ये उनकी मिसेस डॉर्लिंग की इंसल्ट होगी, हम ऐसा उनसे कैसे पूछ सकते हैं, हम उनकी इंसल्ट करना नहीं चाहते। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी हैज़ रनिंग,
ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। देखो वो वॉर में भी है ना, वॉर तो थोड़ी शुरू भी हो चुकी थी, कैसे वो अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालकर हमारे घर पे आती हैं, और एक बैग कितना मुश्किल है उनके लिए है ना वो कैरी कर पाना, कितना हैवी है वो बैग। वो जब भी आती हैं हमारे यहाँ से सामान जो है अपने घर पे लेकर चली जाती हैं, ताकि वो हमारा सामान जो है वो सेफ कर पाएँ, हमें बचा पाएँ। वो तो हमारी फ्रेंड हैं, वो हमारी हेल्प करना चाहती हैं, तो हमें उनके इंसल्ट नहीं करनी चाहिए ये पूछ कर कि आप हमारा सामान जो है वो सेफली रखोगे या नहीं। तो मेरी मदर जो है वो उल्टा मेरे पे ही चिल्लाई। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट दैट। कन्विंस्ड है ना, कन्विंस्ड क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेना। रिप्रोविंगली मीन्स कोल्ड, और इन अ रीबुकिंग मैनर है ना, दोष निकालते हुए। मेरी मदर जो है वो तो मेरे में ही दोष निकालना उन्होंने चालू कर दिया। मेरी मदर को पता था कि मैं अभी भी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूँ, और इसके बाद जो है ना उन्होंने मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे वो मुझे स्कॉल्ड कर रही हैं। हम इस मैटर के बारे में उसके बाद फर्दर हमारी कोई भी डिस्कशन नहीं हुई। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I didn't want to go further than was necessary. वो यहाँ पर बता रही हैं कि मैं जो हूँ स्टेशन की तरफ जा रही हूँ, और मैंने जो चीज़ें रास्ते में मुझे दिखाई दी उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस, मैं जिन चीज़ों को जानती थी उन चीज़ों को ही दोबारा देख रही थी। एंड इट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन द वॉर इज़ ओवर है ना, वॉर वॉज ओवर, ये वॉर ख़त्म होने के बाद मेरी फर्स्ट विजिट थी वहाँ पर, उस सिटी में जहाँ पर हम रेगुलरली चीज़ों को उन्हीं सब चीज़ों को देखते थे। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन नेसेसरी, लेकिन मैं वही सब चीज़ों को दोबारा से रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना और उनके साथ अटैच होना नहीं चाहती थी। अब वो पास्ट का एक पार्ट था मेरे लिए। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, मतलब पास्ट प्रीशियस टाइम है ना। मैं अब खुद को अपसेट करना नहीं चाहती थी कि मैं वही पुरानी गलियों की तरफ जो है स्ट्रीट्स की तरफ हाउसेस की तरफ देखूं और मेरी जो ओल्ड मेमोरीज हैं वो दोबारा से फ्रेश हो जाएं। उससे क्या होने वाला था, कोई चीज़ वापस तो आने वाली थी नहीं है ना, उल्टा क्या होने वाला था, मैं अपसेट हो जाती। इन द ट्रेन बैग आई सॉ मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट मी अगेन As I had the first time I met her, it was the morning after the day my mother had told me about her. जैसे ही मैं वापस आ रही थी है ना, मैं ट्रेन में बैठी थी तो मैं अपने पुराने ख्यालों में खो गई। मैंने दोबारा मिसेस डार्लिंग को अपने सामने पाया है ना, ये वही फर्स्ट टाइम था जब मैं उसको मिली थी। वो क्या कर रही है, अपनी मदर जो उसको उसकी मदर ने मिसेस डार्लिंग के बारे में और वो एड्रेस के बारे में बताया था, उसी वो सारी मेमोरीज़ को जो है वो रिकलेक्ट कर रही है हमारी राइटर जो है। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं मिसेस डार्लिंग को मिली थी, इट वाज द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का टाइम था, द डे माय मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब फर्स्ट टाइम मेरी मदर ने जो है अच्छे से मिसेस डार्लिंग के बारे में मुझे बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वूमेन विद अ ब्रॉड बैग। तो मैंने देखा कि मैं लेट से उठी थी उस दिन, और मैंने क्या देखा कि डाउन स्टेयर है ना, स्टेयर से कोई नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने देखा कि मेरी मदर जो है ना वो किसी को शायद बाय बोल रही हैं, कोई हमारे घर से जो है वापस
अब जा रहा है तो मैंने नोटिस किया फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग को उस दिन, देर इज़ माई डॉटर। तभी सेड माई मदर, शी बैक ऑन टू मी। तभी मेरी मदर ने उस लेडी को बताया जाते हुए, है ना, वो लेडी तो अपना वापस जा रही। बैक ऑन मीन्स टू गिव समथिंग अ सिग्नल यूजिंग योर फिंगर और हैंड। उन्होंने हाथ हिलाकर ही मेरी मदर ने मेरे बारे में बताया कि ये मेरी बेटी है। तो वो लेडी ने जो है वो पीछे मुड़कर मेरी तरफ़ देखा। द वुमेन ओडर्ड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। वो औरत जो है फिर वापस से आई हमारे घर में उसी टाइम उसी दिन, और उन्होंने सिर्फ सर हिलाया, कोई ज़्यादा बात नहीं की। और उन्होंने सूटकेस उठाया जो कहाँ पर रखा हुआ था, है ना, कोट जिस पे हम ये कोट रैक जिस पे हम ड्रेसेस और कोट जो है वो रखते थे उसके नीचे ये सूटकेस पड़ा था, वहाँ से उन्होंने सूटकेस हटाया। वो लेडी जो है उन्होंने भी एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक हैट पहनी हुई थी जो कि एक शेपलेस थी, जिसकी कोई अच्छी सी शेप नहीं थी। डज शी लिव फॉर अवे, आई आस्क, सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी सूटकेस, है ना। तो मैंने अपनी मदर से पूछा, क्या वो लेडी जो है वो बहुत दूर रहती हैं, देखो वो कितनी मुश्किल से वो जो है वो सूटकेस जो है वो यहाँ से लेकर जा रही हैं, इसमें कितना सारा सामान होगा। मुझे तो लगा ये शायद उस मिसेस डॉर्लिंग का ही सामान होगा। मैंने मेरी मदर से पूछा, क्या मिसेस डॉर्लिंग जो हैं वो यहाँ से बहुत दूर रहती हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट द फर्स्ट टाइम जो है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, मेरी मदर ने मुझे उसका एड्रेस फर्स्ट टाइम बताया था। मदर ने बोला कि वो जो है वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, नंबर है 46, इस नंबर को हमेशा याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मैंने वो नंबर याद रखा लेकिन मैं बहुत सालों के बाद जो है वहाँ पर विजिट कर पाई। इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्पोर्ट स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट। लिब्रेशन मतलब आज़ादी, है ना, हॉलैंड्स वॉर फॉर फ्रीडम, जो हॉलैंड में वॉर हुई थी फ्रीडम की। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल, है ना, मैं भी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी वो स्टोर्ड स्टफ़, है ना, जो स्टोर हमारी वो पुरानी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग के घर पे थी उनको देखने के लिए और उनको वापस लाने के लिए। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, और हाँ मुझे थोड़ा डर भी था उन सब चीज़ों को लेकर जो चीज़ें जो हैं वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे रखी होंगी, कि अगर मैं उनको वापस लेकर भी आती हूँ तो मैं कैसे उनको वापस ले पाऊँगी, है ना। अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटेड इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। अब यहाँ पर कॉन्फ्रंटेड विद मतलब फेस और डील विद एन अनप्लेजेंट थिंग और अ पर्सन, इंड्योर्ड क्या होता है, इंड्योर्ड मीन्स लास्टेड, है ना, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं भी उनका सामना कॉन्फ्रंट करना उनको सामना उनका सामना उन चीज़ों का सामना करना नहीं चाहती थी, जो शायद अब उन मेरा उनके साथ कनेक्शन जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है हम सारी चीज़ों के साथ, ये सामान के साथ जो हमारा कभी होता था। विच वर हिडन अवे अ कप बोर्ड्स, जो कि हमसे दूर कहीं पर कप बोर्ड्स में छिपा कर रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। एंड बॉक्सेस, है ना, और बॉक्सेस में रखा हुआ है। एंड वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, और वो सामान भी जो है वेट कर रहा है कि कब उनको उनके पुरानी जगह पर वापस रखा जाएगा। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, जो कि बिकॉज दे वर द थिंग्स, जो कि
कितने टाइम से, कितने सालों से है ना वो स्टोर करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हैं, वो ह्यूमन बींग्स नहीं है, इसलिए वो एक स्टोर रूम में स्टोर करके रखा हुआ है सालों से। तो अब दोबारा उनसे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो सोच रही थी कि क्या मतलब उन सब चीज़ों का जो मेरा पास्ट थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, अ रूम विद अ व्यू यू आर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे। अब यहाँ पर हमें वो बता रही हैं कि वॉर के बाद चीज़ जो है वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ये चीज़ें क्या बता रहे हैं कि ब्रेड जो है वो अच्छी क्वालिटी के आना शुरू हो चुके थे। पहले ब्रेड जो थे उनके कलर जो था वो बहुत डार्क था, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। अब उनका कलर लाइटर हो गया है तो वो क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है। पहले जो ब्राउनिश कलर के एकदम डार्क ब्राउन कलर के आते थे है ना, तो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। इसका मतलब क्या था कि अब हॉलैंड की इकनॉमी जो है वो धीरे धीरे जो है वो लाइन पे आना, ट्रैक पे आना शुरू हो चुकी थी। अब जब भी वॉर होती है तो हम जब भी सोने जाते हैं तो हमारे है ना जहन में हमेशा एक डर रहता था। अब हम जब भी सोने जाते थे तो अब हमें डर नहीं लगता था। अनथ्रेडन है ना, हम आराम से बिना डरे सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू आर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे है ना, ग्लांसिंग मीन्स लुकिंग एट। अब हमें जो है हमारे घर वो रूम जहाँ पर हम रहते थे वो भी डरावना नहीं लगता था। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज करेशियस अबाउट द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर है ना, करेशियस मतलब ईगर। लेकिन एकदम अचानक से मुझे ऐसा ईगरनेस हुई कि नहीं, वो हमारी जो चीज़ें हैं मुझे अभी वापस अपनी चीज़ें वापस ले लेनी हैं, जो वहाँ पर मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 है ना वहाँ पर रखी हुई हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। वो सारी चीज़ें मुझे वापस ले लेनी है, उस एड्रेस से वापस लानी है। मैं वो सारी चीज़ों को देखना चाहती थी और उनको टच करना चाहती थी। आफ्टर My first visit in vain, vain मतलब without result। मेरी first visit जो है Mrs. Darling के घर पे वो क्या थी, वो ख़राब हो चुकी थी, वो तो vain में चली गई थी है ना, उसका कोई result नहीं निकला था। I decided to try a second time। मैंने दोबारा फिर से Mrs. Darling के घर पे visit करने का फैसला किया। Now a girl about 15 opened the door to me। अब एक लड़की जिसकी एज जो है वो 15 साल की थी, उसने गेट खोला। आई आस्क हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उस लड़की से पूछा कि आपकी मदर जो है वो घर पे है, और एड्रेस क्या था, नंबर 46 है ना, और उस पर लिखा था, नेम प्लेट पे लिखा था डार्लिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नो शी सैड, तो वो लड़की ने मुझे आंसर दिया, नहीं मेरी मदर जो है अभी घर पे नहीं है, माई मदर डूइंग इरन। इरन मीन्स है ना कोई टास्क कर रही है, कोई जॉब कर रही है, मेरी मदर जो है वो बिजी हैं, वो यहाँ पर नहीं है। नो मैटर आई सैड आई विल वेट फॉर हर, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं उनके लिए वेट करूँगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी विल डिस्कस सेकेंड पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टूड first part of this chapter hai na, read it again and try to understand it, and in next lecture we will discuss second part of this chapter. thanks for watching the video. thank you very much.